नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से दोस्तों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, जिसपे कि मेल फीमेल ऑल इंडियन नेशनल जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भी कैसा करना, आपको सीधे उनके बताए हुए वेन्यू पर जाना है, इंटरव्यू देनी है और अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको जॉब मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। जॉब लोकेशन आपकी मुंबई एयरपोर्ट में रहने वाली है, मुंबई एयरपोर्ट पे ही आपको जॉब मिलेगी। बाकी आप किसी भी इंडिया की सिटी से हैं तो इंटरव्यू पे जा सकते हैं, इंटरव्यू भी आपकी मुंबई में होने वाली है। वीडियो में जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूँ इस जॉब के बारे में, साथ ही वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि क्या क्या लेके जाना है आपको। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों जॉब रहेगी, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, उसके बाद फिर से इसको रिन्यू जो है वो करा जाएगा। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि परमानेंट जॉब है तो नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है वही मैं चीज जो है आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं पोजीशंस की, तो कस्टमर एजेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है। यहाँ पे डिप्टी मैनेजर टर्मिनल के लिए भी है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है वो हाई क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, सैलरी आपको 20,000 के आसपास मिलेगी। बात करेंगे अपर एज लिमिट की, तो जनरल कास्ट के लिए 28 ईयर, ओबीसी के लिए 31 ईयर और जो एस सी एस टी के लिए 33 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यानी कि 33 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं। तो 14/5/2019 को जो है सुबह आपको पहुंचाना है ये वाले वेन्यू पे, यहाँ पे ट्रेनिंग डिवीजन सेकेंड फ्लोर GST कॉम्प्लेक्स नियर पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट गेट नंबर 5 अंधेरी ईस्ट मुंबई, यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है 14 तारीख को। तो अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कौन कौन जा सकता है, क्या मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है 10+2+3 पैटर्न से तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 साल का आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अलावा अगर ये वाले भी एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो स्क्रीनिंग होगी यानी कि इंटरव्यू होगा, लेकिन हो सकता है वो ग्रुप डिस्कशन भी जो है वो कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए स्क्रीनिंग तो जरूर जो है वो होने वाली है। बात करेंगे दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी मैंने आपको पहले बता दिया, 20,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी, उसमें आपको अलाउंस भी जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू पे आपको जाना है, डायरेक्ट वहां पे जाना है उनके बताए हुए वेन्यू पे जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले बताई। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है आप बनाना है, ओबीसी या जनरल कास्ट से हैं, लेकिन अगर आप SC ST से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो किसी भी तरह की फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप जनरल कास्ट से हैं ओबीसी से हैं तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में और पेबल रखना आपको मुंबई में, और अपने डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर जो है वो लिखना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों अब कि क्या क्या लेके जाना, तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनकी फोटो कॉपीज आपको लेके जानी, उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये वो दोस्तों फॉर्म है जो आपको साथ में लेके जाना है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सेम नोटिफिकेशन के लिंक में ये फॉर्म होगा, इसको आपको डाउनलोड करके फिल कर लेना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और उनके बताए हुए वेन्यू पर जाकर इंटरव्यू देनी है। सिलेक्शन हो जाती है तो जॉब आपको मिल जाएगी। सो ऐसे दोस्तों आप जा सकते हैं एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।